हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और मैं आज आप सभी लोगों के बीच एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है काफ़ी खास वीडियो है और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्लान और ऑटोकैड में स्टेयर केस को कैसे डिजाइन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्टेयर केस जो कि बहुत बड़ा इशू देता है किसी भी इंजीनियर्स को, खासकर सिविल इंजीनियर जो ड्राइंग करते हैं, तो वहाँ पे स्टेयर केस में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है कि नंबर ऑफ स्टेप कितना दे, नंबर ऑफ राइजर कितना दे, नंबर ऑफ ट्रेड कितना दे, इन सभी चीज़ में प्रॉब्लम हो जाता है। और फिर मेरे पास स्पेस कितना है तो कितना उसमें प्रोवाइड किया जाएगा स्टेयर केस। जी हाँ दोस्तों, आज जो इस वीडियो को देख लेगा उसको आज के बाद कभी भी प्लान में या ऑटोकैड में स्टेयर केस को डिजाइन करने लाइफ टाइम के लिए आ जाएगा। दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है बिना स्किप किए, और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलो। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे STDP चैनल में। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं तो एक्सपोज को कैसे यूज करते हैं, एक्सपोज को कैसे डाउनलोड करते हैं, इन पे मैंने एक वीडियो बनाया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन के सेक्शन पे आपको लिंक दिख रहा होगा, आप सिंपली जाओ और उस वीडियो को जरूर देखो, क्योंकि काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को पसंद किया है और वहाँ पर उसको सपोर्ट भी किया है, तो आप लोग भी देखना मत भूलना। और दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, अगर हमारे STDP चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन के घंटों को भी दबाना मत भूलना, ताकि आपको नई टेक्निकल से रिलेटेड सभी वीडियो के अपडेट आपके मोबाइल पे जल्द से जल्द मिल सके। और दोस्तों मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा कि वीडियो आने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, तो लेट होने का यहाँ पे कारण है, अब जो वीडियो आने वाला है इंट्रो पार्ट में इसमें नहीं डालने वाला हूँ, इंट्रो को ही शूट करने में मुझे टाइम लग जाता है। टाइम क्यों लगता है, क्योंकि मैं जब फ्री होता हूँ तभी जाके इंट्रो शूट करता हूँ, तो इधर कुछ दिनों से मैं ज़्यादा ही बिजी चल रहा था तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पा रहा था। तो अब आप लोगों को वीडियो जो मिलने वाली है बिना इंट्रो का मिलने वाली है, और हम लोगों का वीडियो जो होगा थोड़ा सा टाइमिंग भी उसमें कम हो जाएगा, क्योंकि इंट्रो में भी आप लोगों का 2-3 मिनट उसमें चला जाता है। तो जो भी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, अब जो वीडियो होगा ऑटोकैड में ही मैं इंट्रो वहाँ पे दे दूंगा और वहाँ से वीडियो शुरू हो जाएगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ तो आज का वीडियो जो है हम लोगों का स्टेयरकेस पे वो थोड़ा सा लंबा है। लंबा क्यों है, तो मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए पूरे बेसिक्स लेके एक हाई लेवल तक बताया है। मैंने फर्स्ट में आप लोगों को बताया है कि स्टैंडर्ड साइज कितना लेते हैं स्टेयरकेस में, फिर मैंने आप लोगों को बताया है स्टेयरकेस का फॉर्मूला बताया है, फिर मैंने उसके बाद आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स उसमें लिखा है, नोट्स पे मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया है। तो उसके बाद मैंने नोट्स जब बताने के बाद जो मैंने फॉर्मूला आप लोगों के लिए बताया था उस पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, और उस एग्जाम्पल पे मैंने फुल डिटेल में आप लोगों को स्टेयरकेस को समझाया हूँ। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है और कि आप लोग जो भी मैं चीज़ आप लोगों को PDF में बताने वाला हूँ उन सभी चीज़ को आप लोगों को अपने कॉपी में भी नोट कर लेना है। और दोस्तों आज का इस वीडियो में हम लोग ओनली स्टेयरकेस के बारे में समझेंगे अच्छे से, फिर हम लोग समझने के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेयरकेस का वीडियो मैं अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप लोगों को घबराना नहीं है और पहले आप लोगों को स्टेयरकेस के बारे में अच्छे से समझ लेना है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक TDP के सोशल मीडिया को फॉलो नहीं किया है तो उसको जाके जरूर फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया गया है, आप सिंपली जाओ और वहां से ज्वाइन एवं फॉलो जरूर करो। तो चलिए मैं आप लोगों को अपने लैपटॉप स्क्रीन पे ले चलता हूं। स्वागत है आप सभी लोगों का ऑटोकैड की दुनिया में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मैंने इंट्रो में ही स्टेयरकेस के बारे में सारा चीज मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो चलिए मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूं कि मैंने स्टेयरकेस को कैसे ड्रॉ किया है। जैसा कि मैंने आपको ये फिगर इंट्रो में ही आप लोगों को दिखाया है, तो यही हम लोगों का स्टेयरकेस था, और स्टेयरकेस को कैसे मैंने डिजाइन किया है, कितना नंबर ऑफ राइजर आया है, कितना नंबर ऑफ ट्रेड आया है, और फिर हम लोग लैंडिंग कितना लिए हैं, लैंडिंग विड्थ कितना लिया, लैंडिंग हाइट कितना लिए हैं, इन सभी चीज को हम लोग थोड़ी देर में जानेंगे। तो आप लोगों को थोड़ा सा सब्र करना है और वीडियो को कम्प्लीट देखना है, तभी जाके आप लोगों को स्टेयरकेस डिजाइन करने आएगा। तो चलिए हम लोग PDF की तरफ बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को वहाँ पे सारा चीज फुल डिटेल में बताता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को राइजर और ट्रेड पता होगा कि राइजर किसको कहते हैं और ट्रेड किसको कहते हैं, तो जो मेरा राइजर जो होता है वो वर्टिकल डायरेक्शन के तरफ जो होता है उसको हम लोग राइजर कहते हैं, जो मेरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के तरफ एरो है इसको हम लोग ट्रेड कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड को 5 यूनिट में कन्वर्ट करके आप लोगों को बताया है। तो जो मेरा इंच में हम लोग का स्टैंडर्ड साइज होता है वो 10 से 12 इंच हम लोग लेते हैं इसमें, फिर हम लोग फिट में जो लेते हैं 0.83 फिट से लेके 1 फिट तक लेते हैं, फिर हम लोग वही मीटर में जो लेते हैं तो 0.25 से लेके 0.30 तक लेते हैं, फिर हम लोग मिलीमीटर में जो लेते हैं तो 254 से लेके 304.80 तक लेते हैं, फिर वही हम लोग सेंटीमीटर में जो लेते हैं तो 25.4 से लेके 30.48 तक यहाँ पे लेते हैं। तो ये सभी चीज हम लोग का हो गया, ये हम लोग का स्टैंडर्ड साइज हो गया, स्टैंडर्ड साइज के हिसाब से हम लोग स्टेयरकेस को
लेते हैं। फिर हम लोगों का आता है अब राइजर। तो अब राइजर किसको कहते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि राइजर जो होता है वो मेरा वर्टिकल डायरेक्शन के तरफ होता है। आप लोगों ने अपने घर में भी देखा होगा कि जब आप लोग सीढ़ी चढ़ते हो तो सीढ़ी का कुछ हाइट होता है और फिर फ्लैट होता है, तो जो हाइट होता है उसको हम लोग राइजर कहते हैं और जो फ्लैट होता है उसको हम लोग ट्रेड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को राइजर को भी 5 यूनिट में कन्वर्ट करके आप लोगों को शो किया है, जैसा कि मैंने आप लोगों को ट्रेड में दिखाया है। वही हम लोग फिर इंच में जो राइजर का वैल्यू लेते हैं वो 6 इंच से 7.5 इंच तक लेते हैं। वही फिट में जो लेते हैं तो 0.50 फिट से लेके 0.62 फिट तक लेते हैं। फिर वही हम लोग मीटर में जो लेते हैं तो 0.15 से लेके 0.30 तक लेते हैं। फिर हम लोग मिलीमीटर में लेते हैं तो 152.40 से लेके 190.50 तक लेते हैं। वही फिर से हम लोग सेंटीमीटर में जो लेते हैं तो 15.24 से लेके 19.05 तक यहाँ पे लेते हैं। यही सब चीज हम लोग का हो गया स्टैंडर्ड साइज, जो ये हम लोग का राइजर का हो गया स्टैंडर्ड साइज। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया हो कि थ्रेड और राइजर जो है हम लोग स्टैंडर्ड साइज में कितना प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड पॉइंट में बोला जा रहा है कि जो लैंडिंग लेंथ या फ्लाइट विड्थ का जो हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज प्रोवाइड करते हैं वो है 3 फीट से 4.5 फीट तक यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो ये मेरा फिट में हो गया। और वही हम लोग मीटर में जो प्रोवाइड करते हैं 0.19 मीटर से लेके 1.4 मीटर तक यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों आई थिंक काफी लोग जो है लैंडिंग लेंथ या फ्लाइट विड्थ किसको कहते हैं समझ चुके होंगे और काफी लोग नहीं समझे होंगे। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि जो लैंडिंग लेंथ या फ्लाइट विड्थ कहते किसको है पहले। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने अपने घर में जब सीढ़ी चढ़ते हो तो सीढ़ी जब चढ़ते हो तो फर्स्ट फ्लाइट जब हम लोग चढ़ जाते हैं, मतलब फर्स्ट फ्लाइट में जो नंबर ऑफ राइजर जितने भी होते हैं तो वो चढ़ जाते हैं। तो जैसे ही फर्स्ट फ्लाइट जब खत्म होता है तो बीच में एक लैंडिंग आती है, फिर बीच में लैंडिंग आने के बाद फिर हम लोग सेकेंड फ्लाइट की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग जब फर्स्ट फ्लाइट जब चढ़ जाते हैं तो जो हम लोगों का लैंडिंग जो आता है उसी चीज को हम लोग लैंडिंग लेंथ कहते हैं या फ्लाइट विड्थ कहते हैं। जैसा कि देख पा रहे होंगे कि ये मेरा जो चीज है ये मेरा फर्स्ट फ्लाइट हो जाता है और यहाँ पे फिर लैंडिंग आती है, फिर लैंडिंग आके फिर हम लोग यहाँ पे सेकेंड फ्लाइट की तरफ बढ़ते हैं। तो इसी चीज को हम लोग लैंडिंग लेंथ या फ्लाइट विड्थ कहते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस फिगर के माध्यम से नहीं समझ में आ रहा तो डिस्प्ले पे आपको एक और फिगर शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट फ्लाइट चढ़ा और बीच में लैंडिंग आती है, फिर हम लोग सेकंड फ्लाइट की तरफ बढ़ते हैं। तो यही चीज हम लोगों का लैंडिंग लेंथ हो गया। आई थिंक आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो चुका। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। स्पेसिंग बिटवीन टू फ्लाइट मस्ट बी एटलीस्ट, तो इस लाइन का मतलब मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड फ्लाइट के बीच का जो गैपिंग होता है तो हम लोग कितना प्रोवाइड करेंगे, तो 4.5 इंची से लेके 6 इंची तक प्रोवाइड करेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को ये भी पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि जो मेरा फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड फ्लाइट के जो बीच का गैपिंग जो होता है वो चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो स्टैंडर्ड साइज में कितना लेते हैं, तो 4.5 इंची से 6 इंची तक। तो मैंने इस प्लान में यहाँ पे गैपिंग नहीं लिया है। नहीं लेने का यहाँ पे कारण है, क्यों नहीं लिया है, तो ये पॉइंट आप लोगों को आगे क्लियर करूंगा। मैं एक पॉइंट और आएगी उस पॉइंट के माध्यम से यहाँ पे आप लोगों को समझाने का कोशिश करूंगा कि क्यों नहीं हम लोगों ने लिया है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं तो ये यहाँ तक जो चीज था ये हम लोगों का मतलब स्टैंडर्ड साइज था। अब हम लोग आगे जो देखेंगे यहाँ से हम लोगों का फॉर्मूला स्टार्ट होता है, मतलब फिफ्थ पॉइंट से जो है हम लोगों का स्टेयर केस का फॉर्मूला स्टार्ट होता है। इन सभी फॉर्मूले को आप लोगों को अपने या डायरी या कहीं पे भी आपको नोट्स में नोट कर लेना है, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ। और ये चीज आप लोग अगर लिख लेते हो तो आप लोगों को आगे चल के बहुत फायदे करेंगे। स्टेयर केस में आप लोगों को कभी भी प्रॉब्लम आए तो आप अपने नोट्स को खोल के वहां पे आप अपने फॉर्मूले देख सकते हो, स्टैंडर्ड साइज देख सकते हो। तो इन सभी चीज को आप लोगों को फिर से ये मतलब हमेशा के लिए आप लोगों को अपने दिमाग में बैठा लेना है। तो चलिए अब हम लोग फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग जानते हैं कि स्टेयर केस में कौन कौन फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो जो मेरा फर्स्ट जो फार्मूला आता है स्टेयर केस का वो है टोटल नंबर ऑफ राइजर। स्टेयर केस में टोटल नंबर ऑफ राइजर कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग या फ्लोर, मतलब की बिल्डिंग का हाइट या फ्लोर का हाइट विथ रूफ स्लैब अपॉन हाइट ऑफ राइजर। इन सभी चीज का मैं आगे आप लोगों को फुल्ली डिटेल में बताऊंगा, अभी आप लोगों को पहले पूरा फॉर्मूला देख लेना है, अभी कोई भी क्वेरी आप लोगों को नहीं उठाना है। तो ये हम लोगों का टोटल नंबर ऑफ राइजर निकालने का फॉर्मूला है कि टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग या फ्लोर विथ रूफ स्लैब, मतलब रूफ स्लैब को लेके तब जो हाइट ऑफ राइजर मतलब राइजर का जितना हाइट आएगा
उससे डिवाइड कर देंगे तो वो मेरा टोटल नंबर ऑफ राइजर आएगा। ये जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया, तो आगे एक एग्जांपल के माध्यम से आप लोगों को मैं इन सभी फॉर्मूले के यूज करके भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। तो ये हम लोगों का पॉइंट आई थिंक क्लियर हो चुका है। फिर हम लोग जो स्टेयर केस का सेकेंड जो फॉर्मूला आता है, स्टेयर केस में जो सबसे ज्यादा जो लोग फंसते हैं यहाँ पे, तो वो ट्रेड में जाके फंसते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ट्रेड पे एक अच्छा फॉर्मूला, मतलब मैं आप लोगों को बता दूं तो ये फॉर्मूला मैंने खुद बनाया है। इस फॉर्मूले का यूज जो है मैं आप लोगों को भी सिखाऊंगा। ये फॉर्मूला जो है बहुत ही इजी है और आप लोगों को भी बहुत इजी लगेगा थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे आप लोगों को ट्रेड जो निकालने का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बनाया है, वो एक इवन के माध्यम से बनाया है और एक ऑड के माध्यम से बनाया है। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो गया होगा, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बारी से बारी समझाता हूँ कैसे ट्रेड निकालते हैं। तो इवन यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक फॉर्मूला में लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रेड, मतलब कि इवन में टोटल नंबर ऑफ ट्रेड कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑड लिखा है और यहाँ पे मैंने इवन लिखा है। अब यहाँ पे बात आती है कि सर ऑड और इवन का क्या चक्कर आपने कर दिया। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूं, तो इवन और ऑड नंबर आपने फोर्थ या फिफ्थ क्लास में आप लोगों ने इवन और ऑड नंबर किसको कहते हैं पढ़ा होगा। तो इवन नंबर हम लोग कहते हैं कि जो टू से डिवाइड हो जाता है उसको हम लोग इवन नंबर कहते हैं, और यहाँ पे ऑड नंबर जो हम लोग कहते हैं जो टू से डिविजिबल नहीं होता है उसको हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि जो आपके बिल्डिंग का हाइट जो होगा वो आपका इवन में आ रहा है या ऑड में आ रहा है। अब इवन में आ रहा है या ऑड में आ रहा है तो वो कैसे पता चलेगा, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग जो है अगर आपका 10 फीट 12 फीट 14 फीट ये सब आता है तो ये हम लोगों का इवन आ जाता है जो कि 2 से डिविजिबल हो जाता है। वही अगर हम लोगों का बिल्डिंग का हाइट 9 फीट 11 फीट 13 फीट 15 फीट आता है तो वो मेरा ऑड नंबर हो जाता है। तो पहले आप लोगों को जो बिल्डिंग का हाइट जो होगा वो देख लेना है, अगर वो इवन है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, और वही हम लोगों का अगर हाइट ऑफ बिल्डिंग ऑड है तो हम लोग ऑड वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो इवन में जो फॉर्मूला हो जाता है कि जो टोटल नंबर ऑफ राइजर जो होगा उसमें एक जो घटा देंगे वही मेरा नंबर ऑफ ट्रेड आ जाएगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ राइजर जैसे आप लोग निकाल लोगे तो टोटल नंबर ऑफ राइजर जितना आएगा उसमें एक जब घटा देंगे तो वो मेरा ट्रेड हो जाएगा। और ये बात प्रूफ भी मैं आगे करके बताऊंगा, वो कैसे प्रूफ करेंगे तो आगे अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। तो आई थिंक आप लोगों को इवन मेरा फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। अब चलिए मैं आप लोगों को ऑड का बता दूं। तो ऑड में क्या करना है, अगर आपका हाइट ऑफ बिल्डिंग जो है ऑड में है, आप लोगों को क्या करना है, फ्लाइट विड्थ हाइट, मतलब कि ग्राउंड फ्लोर से आपका फ्लाइट विड्थ का हाइट कितना है या लैंडिंग हाइट जो है कितना है उसको लेके और ट्रेड से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो वो मेरा नंबर ऑफ ट्रेड आ जाएगा। तो आई थिंक ये फॉर्मूला आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो इस फॉर्मूला का यूज जो है आगे हम लोग एग्जांपल में करेंगे, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। बस इतना जान लो कि फॉर्मूला हम लोग ये यूज करते हैं। इन सभी फॉर्मूला को आप लोगों को अपने नोट्स में नोट कर लेना है। तो दोस्तों आई थिंक आप लोगों को स्टेयर केस का फॉर्मूला समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता लेना या टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना वहां पे, और वहां पे पूछ सकते हो। तो दोस्तों हम लोगों का स्टेयर केस का जो फॉर्मूला है यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब हम लोग कुछ नोट्स की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी नोट्स को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ओके। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग नोट्स के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, तो आप लोगों को हमेशा पहले याद रखना है कि आपका बिल्डिंग का हाइट या फ्लोर का हाइट कितना है विथ रूफ स्लैब और विदाउट रूफ स्लैब, मतलब कि रूफ स्लैब लेकर कितना है और विदाउट रूफ स्लैब लेकर कितना है। तो ये पॉइंट आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है। तो आई थिंक ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे मेरा नोट जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है। तो यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे इंग्लिश में मैंने लिखा कि जो बिल्डिंग फ्लोर का हाइट जो होगा डिपेंड होगा राइजर के हाइट पे, तो ऐसा नहीं है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरे से, तो आप लोगों को सुधार लेना है कि यहाँ पे जो मेरा राइजर का हाइट जो होता है, ये बिल्डिंग फ्लोर जो है, यहाँ पे आप लोगों को राइजर लिख लेना है। राइजर का हाइट जो होता है, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा, जो राइजर का आपका हाइट होगा वो किस पे डिपेंड होगा, तो वो आपके बिल्डिंग के हाइट पे डिपेंड होता है। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को हमेशा याद में रखना है, ओके। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोगों का जो थर्ड पॉइंट बोला जा रहा है, राइजर और थ्रेड का जो हाइट होगा या विड्थ होगा वो किस पे डिपेंड करेगा,
प्लॉट स्पेस एज पर कस्टमर डिमांड। तो इस पॉइंट को आप लोगों को अच्छे से समझना है, क्या समझना है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, लिखा गया है तो दोस्तों जो आपका राइजर और ट्रेड का जो हाइट या बिर्थ होगा वो किस पे डिपेंड होगा, आपके प्लॉट साइज पे डिपेंड होगा। जैसा कि अगर आपके पास स्पेस कम है और आप चाहते हो कि स्टेयर केस ज्यादा अच्छा से डिजाइन करें तो फिर वहां पे संभव नहीं है। तो स्टैंडर्ड साइज जो मैंने आप लोगों को बताया, तो स्टैंडर्ड साइज को भी हम लोग नहीं लेते हैं, मतलब वो तो मेरा स्टैंडर्ड साइज हो गया। आपके पास जो प्लॉट का मतलब स्पेस होगा, जितना स्पेस होगा आप उतना प्रोवाइड कर सकते हो, वो स्टैंडर्ड साइज हो गया कि इतने के बीच में आप प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आपके पास स्पेस कम है तो आप वहां पे राइजर और ट्रेड का हाइट या विड्थ घटा भी सकते हो। तो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर रखना है। तो आई थिंक आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। फिर हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट यहां पे बोला जा रहा है कि हाइट बिटवीन ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लाइट मस्ट बी एटलीस्ट 7 फीट और मोर। मतलब कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपका ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लाइट का जो हाइट होगा वो एटलीस्ट 7 फीट से कम नहीं रहना चाहिए, 7 फीट से ज्यादा ही होना चाहिए। तो ये पॉइंट यहाँ पे बोला जा रहा है। तो आई थिंक आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो चुका हो। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को अब प्लान पे बताता हूँ। तो जैसा कि हम लोगों ने जो प्लान ड्रॉ किया था उसमें हम लोगों का स्टेयरकेस जो बाकी था, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिख भी रहा होगा, तो इसी स्टेयर के उसको हम लोग डिजाइन करते हैं। जो हम लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल जो लिया है, मैंने 11 फीट पे ही लिया है। तो जो मेरा बिल्डिंग का हाइट भी जो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है वो 11 फीट पे प्रोवाइड किया है। तो ये एग्जांपल जो है हम लोगों के का जो नक्शा है उससे मैच हो रहा है। तो पहले हम लोग थ्योरी में एग्जांपल को जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल ऑटोकैड में करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया है कि हाइट ऑफ फ्लोर विथ स्लैब, मतलब मेरा जो बिल्डिंग का हाइट है या फ्लोर का हाइट है वो विथ स्लैब में 11 फीट है। विथ स्लैब और विदाउट स्लैब, काफी लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है कि सर विथ स्लैब और विदाउट स्लैब आप कितने देर से ये चीज बोल रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, तो जैसा कि आप लोगों का छत जो होता है, छत तो छत को ही हम लोग स्लैब कहते हैं, ठीक है, रूफ स्लैब उसका नाम कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आपका रूफ स्लैब मतलब हाइट ऑफ बिल्डिंग जो होता है वो मतलब रूफ स्लैब लेके कितना हाइट होता है और विदाउट रूफ स्लैब कितना आपका हाइट होता है। तो यहाँ पे मैं उस समय से यही पॉइंट बोल रहा था कि विथ स्लैब और विदाउट स्लैब में आपका हाइट कितना है। तो मेरा यहाँ पे फ्लोर का जो हाइट जो है स्लैब लेकर 11 फीट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि मैंने यहाँ पे फिगर भी बनाया है, तो फिगर में देख सकते हो कि मेरा 11 फीट यहाँ पे हाइट है, ये मेरा स्लैब तक का है, मतलब ये जो यहाँ से देख सकते हो कि ये मेरा रूफ है। तो यहाँ पे रूफ का तक का मेरा हाइट जो है 11 फीट है। फिर विदाउट रूफ स्लैब जो है 10 फीट 6 इंच यहाँ पे, मतलब 6 इंच का मैंने रूफ स्लैब यहाँ पे ढाला है, ठीक है। तो ये 6 इंच और ये जो है विदाउट रूफ स्लैब लेके मैंने 10.5 फीट यहाँ पे लिया है। अब हम लोग इसमें नंबर ऑफ ट्रेड कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ राइजर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ स्टेप कैसे निकालेंगे, इन सभी चीज को हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों हम लोग अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताता हूँ। तो पहले हम लोग नंबर ऑफ ट्रेड निकाल लेते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ राइजर निकालेंगे। तो नंबर ऑफ ट्रेड कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, तो यहाँ पे लैंडिंग हाइट जो है मैंने यहाँ पे 7 फीट 6 इंच लिया है। यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा ग्राउंड फ्लोर से लैंडिंग हाइट जो है यहाँ पे मैंने 7.5 फीट लिया है। यहाँ पे एक पॉइंट जैसे मैंने पिछले पॉइंट में आप लोगों को यहाँ पे बताया भी था, यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा फोर्थ पॉइंट जो बोला जा रहा था कि हाइट बिटवीन ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लाइट मस्ट बी 7 फीट से होना चाहिए या 7 फीट से ज्यादा होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, 7.5 फीट लिया है, मतलब 7 फीट से ज्यादा लिया है। तो 7.5 फीट यहाँ पे लिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो हम लोग फिट में कन्वर्ट कर लेंगे या तो इंच में कर लेंगे। तो फिट में करेंगे तो फिट में थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा इजी बनाने का। तो इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको फिट को कन्वर्ट कर देंगे इंच में। इंच में कन्वर्ट करेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 को और 6 प्लस करेंगे तो 90 मेरा मतलब इंच हो गया। तो लैंडिंग जो हाइट हो गया इंच में 90 इंच हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे जो ट्रेड लिए हैं वो 9 इंची लिए हैं। अब काफी लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए हैं कि सर स्टैंडर्ड साइज कुछ और था, आपने यहाँ पे कुछ और लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, तो दोस्तों हम लोग फिर हम लोग नोट्स की तरफ बढ़ेंगे। तो नोट्स में मैंने आप लोगों को यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो बोला था कि राइजर और थ्रेड का जो हाइट या विड्थ जो होगा वो किस पे डिपेंड होगा, वो आपके प्लॉट साइज पे डिपेंड होगा, ठीक है, या आपके कस्टमर डिमांड पे डिपेंड होता है। तो यहाँ पे जो हम लोगों का जो मतलब स्पेस जो था वो कम था, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड का जो साइज जो है यहाँ पे कम लिया है। तो आई थिंक आप लोगों को पीछे जो भी चीज बताया है वो क्लियर थोड़ा थोड़ा हो रहा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा ट्रेड जो है 9 इंची मैंने यहाँ पे लिया है। आप भी अपने प्लॉट के हिसाब से ले सकते हो, अगर
आपके पास स्पेस ज्यादा है तो आप ट्रेड का साइज बढ़ा भी सकते हो, अगर आपके पास स्पेस कम है तो आप ट्रेड का साइज ले सकते हो। तो वो आप पे डिपेंड करता है, तो आपको कितना लेना है या आपके कस्टमर पे डिपेंड करता है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। फिर हम लोग नंबर ऑफ ट्रेड निकालने का क्या फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, तो जो लैंडिंग हाइट या फ्लाइट विड्थ जो होता है उस ट्रेड से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे लैंडिंग जो हाइट है हम लोगों का ग्राउंड फ्लोर से, मतलब फ्लाइट विड्थ का, वो है 7.5 फीट। तो 7.5 फीट को मैंने यहाँ पे इंच में कन्वर्ट किया है तो 90, और मेरा ट्रेड का जो साइज है 9 है। तो 9 से मैंने जब डिवाइड किया तो ये मेरा नंबर ऑफ जो ट्रेड आ गया वो मेरा 10 आ गया। तो जो मेरा फर्स्ट फ्लाइट जो होगा, मतलब ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लाइट तक का जो ट्रेड होगा वो कितना होगा, 10 होगा। यहाँ पे जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे फिगर भी बना के दिखाया है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो ट्रेड किसको कहते हैं, तो जो मेरा फ्लैट जो होता है यहाँ उसी को हम लोग ट्रेड करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, जो मेरा 10th स्टेप जो होगा वो किस पे जाएगा, लैंडिंग लेंथ पे जाएगा या फ्लाइट विड्थ पे जाएगा, तो वो मेरा 10th स्टेप जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग अब राइजर कैसे निकालेंगे। तो राइजर का यहाँ पे मैंने साइज जो लिया है वो 7 इंची लिया है। फिर हम लोग वही पॉइंट को क्लियर करेंगे कि आपके स्पेस जो जितना होगा आप उतना प्रोवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो टोटल हाइट ऑफ फ्लोर जो है हम लोगों का 11 फीट है, तो 11 फीट मतलब 11 फीट जो हो गया, तो ये मेरा क्या हुआ, इवन या ऑड, तो ये मेरा ऑड हुआ जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होता, इसलिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला का यूज किया था। दोस्तों नंबर ऑफ राइजर कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ राइजर निकालने का फॉर्मूला होता है कि हाइट ऑफ बिल्डिंग या फ्लोर विथ रूफ स्लैब। अब रूफ विथ रूफ स्लैब और विदाउट रूफ स्लैब मैंने समझा दिया अच्छे से, तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो उसके हाइट से हम लोग हाइट ऑफ राइजर में डिवाइड कर देंगे तो मेरा नंबर ऑफ राइजर आ जाएगा। वो कैसे आएगा, यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा टोटल जो हाइट ऑफ बिल्डिंग जो है विथ स्लैब लेके वो 11 फीट है, और राइजर का हाइट जो है मैंने हम लोगों ने लिया है तो वो 7 इंची यहाँ पे लिया है। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, फिट में है तो इसको इंच में कन्वर्ट करेंगे, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 132, 7 से डिवाइड कर देंगे तो 18.85। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो मेरा यहाँ पे नंबर ऑफ राइजर जो आया है 18.85 आया है। तो दोस्तों अब बहुत लोग कंफ्यूजन आएगा, सर यहाँ पे 18.85 है तो हम लोग क्या अप्रॉक्स वैल्यू क्या लेंगे, या तो 18 या 19। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, स्टेयर केस में आप लोग अप्रॉक्स वैल्यू यहाँ पे नहीं ले सकते हो। तो यहाँ पे जो 18.85 जो आया, तो 18 जो मेरा राइजर मतलब हो गया, ठीक है, और 0.85 जो है वो भी मेरा राइजर हो गया, ठीक है। तो 0.85 कैसे, अब हम लोग मतलब अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो गया कि सर 18 तक तो मान के चलो कि मेरा राइजर हो गया, बट हम लोगों का 0.85 जो है वो कैसे प्रोवाइड करेंगे राइजर। तो दोस्तों वहां चलिए आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों अभी आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अब एक बात आती है कि अगर आपके स्लैब और राइजर का जो हाइट होगा अलग अलग हो तो नंबर ऑफ राइजर कैसे निकालेंगे। मतलब कि अगर आपके स्लैब, मतलब कि यहाँ पे अभी क्लियर कर देता हूँ एक मिनट, अगर आपके ये जो रूफ स्लैब इसका हाइट और हाइट ऑफ राइजर, मतलब ये जो आप लोगों को वर्टिकल जो दिख रहा है इसी को हम लोग राइजर कहते हैं, तो ये हम लोग का राइजर का हाइट हो गया। तो हम लोगों ने राइजर का हाइट कितना लिया है, 7 इंच लिया, और हम लोगों का जो यहाँ पे रूफ स्लैब कितना है तो 6 इंच। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोगों का पॉइंट जो है मिल चुका है कि जो यहाँ पे स्लैब और राइजर का जो हाइट है अलग अलग है हम लोगों का। तो नंबर ऑफ राइजर इसमें कैसे निकालेंगे, फिर तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ग्राउंड फ्लोर से बॉटम ऑफ रूफ, मतलब कि यहाँ से दिखा देता हूँ एक मिनट, जो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर से बॉटम ऑफ रूफ मतलब कि स्लैब को हटा देना है, ठीक है आप लोगों को। तो यहाँ तक का हाइट आप लोगों को पहले ले लेना है। तो मेरा 10 फीट 6 इंच है यहाँ पे, तो 10 फीट 6 इंच यहाँ पे मैंने ले लिया है। तो टोटल हाइट ऑफ फ्लोर जो है 10 फीट 6 इंच है और हाइट ऑफ राइजर जो है 7 इंच है, तो कितना हो गया हम लोगों का। तो इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करके 126 आ गया, तो फिर 7 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 18 आ गया, देख सकते हो। तो मेरा जो यहाँ पे विदाउट जो स्लैब हुआ, मतलब कि विदाउट जो रूफ स्लैब हुआ उसको अगर हटा देते हैं तो यहाँ पे मेरा जो नंबर ऑफ राइजर जो आता है वो मेरा 18 आता है। तो ये चीज हो गया हम लोगों का विदाउट रूफ स्लैब, मतलब कि रूफ स्लैब को हटाकर मेरा नंबर ऑफ राइजर कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। और रूफ स्लैब को लगा देंगे तो 0.85 वहां पे इन्वॉल्व करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो हम लोग लास्ट राइजर को कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो वहां पे मैं आप लोगों को बता दूं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है, जो मेरा स्लैब का साइज होगा, मतलब आपके जो रूफ स्लैब का साइज होगा वही साइज जो मेरा लास्ट हिडन राइजर का साइज होगा।
मतलब कि जो आपका रूफ स्लैब का जो साइज होगा वही आपका लास्ट वाला जो राइजर होगा उसका साइज होगा। मतलब अगर आपका रूफ स्लैब 6 इंच का है तो वहां पे राइजर का हाइट भी 6 इंच प्रोवाइड करेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्तों स्टेयर केस का वीडियो जो है काफी आप लोगों को यूट्यूब पे तो मिल जाएगा। ये वीडियो जो है मैं खुद से तैयार किया हूं और मुझे भी स्टेयर केस में काफी प्रॉब्लम हुआ था। मैंने सोचा कि मेरे तरह आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से अच्छा मैंने आप लोगों को बताने का कोशिश किया है। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग फिगर में जानते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि तो दोस्तों नंबर ऑफ राइजर जो हो जाएगा टोटल मेरा कितना हो जाएगा, वो 19 के करीब में हो जाएगा। मतलब 0.85 भी तो एक राइजर हो जाएगा ना मेरा लास्ट वाला, तो वो टोटल कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और दोस्तों एक पॉइंट मैं आप लोगों को एक और क्लियर कर देना चाहता हूं। हमेशा आप लोगों को याद रखना है कि जो जितना भी नंबर ऑफ राइजर जो होगा उससे एक कम जो आएगा वो मेरा नंबर ऑफ ट्रेड आ जाएगा। तो हमेशा आप लोगों को याद रखना है। जैसा कि हम लोगों का जो रूफ लेकर कितना आ जाएगा राइजर, हम लोगों का 19 राइजर आ जाएगा। और विदाउट रूफ लेकर कितना आया था, 18 आया था। तो विदाउट रूफ लेकर हम लोगों का जो 18 आया नंबर ऑफ राइजर, तो मेरा यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड कितना हो जाएगा, तो वो मेरा 17 हो जाएगा। और वही चीज अगर 19 कब आ रहा था, तो रूफ स्लैब लेकर आ रहा था, तो मेरा 19 आ रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा नंबर ऑफ ट्रेड कितना आया, 18 आया। तो ये चीज आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि जितना नंबर ऑफ राइजर आएगा हम लोगों का उससे एक कम मेरा नंबर ऑफ ट्रेड आ जाएगा। तो ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को आज का वीडियो जो है पसंद आया होगा। अगर कोई भी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप TDP के टेलीग्राम को जाके ज्वाइन कर लो, वहां पे मुझसे आप अपना प्रॉब्लम पूछ सकते हो और मैं वहां पे 100% आपको रिप्लाई दे देता हूं। अगर ऐसे आपको कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम होता है तो आपको TDP का व्हाट्सअप नंबर भी अवेलेबल किया गया है, तो आप व्हाट्सअप नंबर पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने सभी फ्रेंड्स में। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको स्टेयर केस के PDF में 11 फीट बिल्डिंग का हाइट लेके एग्जांपल में बताया है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है कि जो मैंने प्लान जो ड्रॉ किया है इसमें भी 11 फीट एक बिल्डिंग का हाइट लिया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं AutoCAD में ड्रॉ करना आप लोगों को स्टेयर केस को बताऊंगा, बहुत ही इजी स्टेप में बताऊंगा। तो आप लोगों को वीडियो से बने रहना है और चैनल पे फर्स्ट टाइम आते हो तो चैनल से जरूर जुड़ लो, क्योंकि हमेशा आप लोगों को इसी प्रकार की वीडियो मिलने वाली है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाना चाहता हूँ। स्वस्थ रहें, अपने और अपने परिवार का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।